हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो हीलिंग। आज हम देखेंगे एक्जिलरी आर्टरी। ये हम देखे थे एक्जिला में, यह एक्जिला का एरिया के अंदर ही आता है एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी वेन एंड एक्जिलरी लिम्फ नोड। तो अब उसमें से हम देखेंगे एक्जिलरी आर्टरी। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम थोड़ा एक्जिला के ऊपर रिवाइज कर लेंगे। ये एक्जिला का एरिया है, उसका अपेक्स, बेस, मीडियल साइड, लैटरल साइड और मीडियल वाल, लैटरल वाल। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है, एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी वेन एंड एक्जिलरी लिम्फ नोड। तो अब उसमें से हम देखेंगे एक्जिलरी आर्टरी। एक्जिलरी आर्टरी इज कंटिन्यूएशन ऑफ द सब क्लाविअन आर्टरी। ये सब क्लाविअन आर्टरी का कंटिन्यूएशन है। सब क्लाविअन आर्टरी से ही, यहाँ पे हम देखेंगे सब क्लाविअन आर्टरी से ही यह एक्जिलरी आर्टरी बना है पूरा है। देन इट एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब का एक्सटेंड आउटर बॉर्डर से यह आया है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरेस मेजर वेयर इट कंटिन्यू एज द ब्रैकियल आर्टरी। ये हम देखें कि ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से आया है। इसका कंटिन्यूएशन और आउटफ्लो हम देखते हैं अभी किस के बीच में गया है। फर्स्ट आउटर बॉर्डर ऑफ क्लाविकल से आके टेरेस मेजर देन कंटिन्यू टू द ब्रैकियल फ्लेक्सस। ये पेक्टोरलिस माइनर क्रॉसेस द आर्टरी एंड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। पेक्टोरलिस माइनर के थ्रू ही ये एक्जिलरी आर्टरी डिवाइड हो सकता है। ये हमारा पार्ट डिवीजन हुआ है, थ्री पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ये हुआ, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हुआ है सुपेरियर टू द मसल्स और ये पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर ही आया है, ये ऊपर ही है। बट सेकेंड पार्ट पोस्टीरियर टू द मसल के नीचे से आया है, कंटिन्यू हुआ है। देन थर्ड पार्ट भी इन्फीरियर टू द मसल्स, मतलब मसल के नीचे आया है। देन हम देखेंगे उसका रिलेशन ऑफ एक्जिलरी आर्टरी रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसका रिलेशन, उसका एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल साइड एंड लैटरल साइड। एंटीरियर में हम देखेंगे एंटीरियर में स्किन, सुपरफिशियल फेसिया एंड डीप फेसिया एंड पेक्टोरलिस मेजर, क्लाविओ पेक्टोरलिस फेसिया विथ सेफेलिक वेन, पेक्टोरल नर्व एंड थोराको एक्रोमियल आर्टरी एंड पेक्टोरल नर्व भी आता है। इसमें क्या क्या आता है एंटीरियर, ये रहा हमारा एक्जिलरी आर्टरी। तो उसका फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आता है, फर्स्ट पार्ट में आता है एंटीरियर साइड में हमारा ये रिब्स है। तो एंटीरियरली क्या आएगा, स्किन आएगा, सुपरफिशियल फेसिया आएगा, डीप फेसिया आएगा, देन क्लाविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स आएगा, देन क्लाविको पेक्टोरल फेसिया आएगा जिसके अंडर में आएगा सेफेलिक वेन एंड लैटरल पेक्टोरलिस नर्व, थोराको एक्रोमियल आर्टरी एंड लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द लैटरल एंड मीडियल पेक्टोरलिस नर्व, मतलब पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स एंड सेफेलिक वेन, ये सब आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट का पोस्टीरियरली क्या क्या चीज़ होता है, पोस्टीरियरली रिब्स का, रिब्स के बीच में है तो इंट्रोकोस्टल मसल्स, सेरेटियस एंटीरियस मसल्स, मीडियल कॉर्ड और ब्रैकियल फ्लेक्सस। ब्रैकियल फ्लेक्सस ऐसे ही जाता है तो उसके अंदर आएंगे ये मीडियल कॉर्ड और ब्रैकियल फ्लेक्सस पोस्टीरियरली रहेगा। फर्स्ट पार्ट का पोस्टीरियरली लैटरली क्या आएगा, पोस्टीरियर कॉर्ड और ब्रैकियल फ्लेक्सस, उसका लैटरली पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल फ्लेक्सस आएगा और उसका पोस्टीरियरली आएगा मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल फ्लेक्सस। देन उसका मीडियली क्या आएगा, मीडियल साइड में एक्जिलरी वेन आएगा। ये एक्जिलरी आर्टरी का हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का मीडियल साइड में एक्जिलरी वेन ही वेन आएगा। देन हम देखेंगे रिलेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो हम देखें, ये जो सेकेंड पार्ट है पेक्टोरलिस माइनर के नीचे से जाता है, उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर, मीडियल साइड और लैटरल साइड में क्या क्या रिलेशन आता है, अब हम यही देखेंगे। उसका एंटीरियरली क्या आता है, एंटीरियरली आता है स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया। एंटीरियरली क्या क्या मसल्स रह सकते हैं, एंटीरियर हमारा रहता है पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। देन हम देखेंगे पोस्टीरियरली क्या क्या मसल्स रहता है और क्या क्या रहते हैं। पोस्टीरियरली रहता है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल फ्लेक्सस एंड सब स्कैपुलरिस। पोस्टीरियरली हमारा क्या है, पोस्टीरियर स्कैपुला है तो सब स्कैपुलरिस मसल्स रहता है। स्कैपुला का एंटीरियर सरफेस
फेस होता है अजला के तरफ से, अजला के पास, तो उसमें से सब्सकैपुलरिस उसका एंटीरियर सरफेस में रहता है, इसीलिए पोस्टीरियर उसका पोस्टीरियरली रहेगा सब्सकैपुलरिस। सब्सकैपुलरिस एंटीरियर सरफेस है स्कैपुला का। देन हम देखेंगे लैटरली, लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल फेक्सस, देन कोराको ब्रैकियलिस, तो उसके पोस्टीरियरली रहता है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल फ्लेक्सस, लैटरली रहता है मेनली लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल फ्लेक्सस, देन मेडियली हम देखेंगे, इसमें भी हम देखेंगे मेडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल फ्लेक्सस, मतलब ब्रैकियल फ्लेक्सस ही उसका पूरा कवर करके रहता है। देन मेडियली मेडियल पेक्टोरलिस नर्व एंड एक्जिलरी वेन। देन हम देखेंगे उसका थर्ड पार्ट का रिलेशन, थर्ड पार्ट टेरेस मेजर के ऊपर ही जाता है, तो उसका क्या क्या रिलेशन, उसका एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर मेडियल साइड एंड लैटरल साइड में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। थर्ड पार्ट का एंटीरियरली रहता है स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डी फेसिया, पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर एंड पार्ट ऑफ मेडियन नर्व। देन उसका पोस्टीरियरली क्या क्या रहता है, पोस्टीरियर रहता है रेडियल नर्व, एक्जिलरी नर्व, पोस्टीरियरली सबस्कैपुलरिस, टेंडर नर्व, प्लैटिस डॉर्सी एंड टेरेस मेजर मसल्स। देन उसका लैटरली लैटरल साइड में कोराको ब्रैकियलिस, मस्कुलोक्यूटानियस नर्व एंड ट्रंक ऑफ मेडियल नर्व। मेडियल साइड में जो हमारा रिब्स के साइड में क्या क्या रहता है, एक्जिलरी वेन रहता है, देन मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, अनलान नर्व, मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। देन उसका भी ब्रांच बनता है फर्स्ट पार्ट से, टोटल उसमें सिक्स ब्रांच होते हैं, सिक्स ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट पार्ट से एक ही ब्रांच निकलता है सुपीरियर थोरासिक आर्टरी, वो ब्लड सप्लाई करता है थोरासिक वाल को, वो सप्लाई करता है थोरासिक वाल को। देन सेकेंड पार्ट से टू ब्रांचेस निकलता है, थोराको आक्रोमियल आर्टरी एंड लैटरल थोरासिक आर्टरी। सेकेंड पार्ट आता है बीनीथ द पेक्टोरलिस मेजर माइनर, सॉरी पेक्टोरलिस माइनर मसल के नीचे से आता है, तो उसमें से थ्री फोर ब्रांचेस भी निकलता है, जो होता है पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टॉइड ब्रांच, आक्रोमियो क्लाविकुलर ब्रांच एंड क्लाविकुलर ब्रांच। वो सब सप्लाई करता है, जैसे पेक्टोरल ब्रांच सप्लाई करता है ब्रेस्ट मसल्स को, डेल्टॉइड ब्रांच सप्लाई करता है जो डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव होता है, डेल्टॉइड का ग्रूव होता है, आक्रोमियन ब्रांच सप्लाई करता है आक्रोमियन प्रोसेस को, देन क्लाविकुलर ब्रांचेस सप्लाई करता है आक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट एंड सॉफ्ट क्लाविस को। देन और एक ब्रांच है उसका लैटरल थोरासिक आर्टरी, वो हमारा इन फीमेल में वो लैटरल मामरी ब्रांचेस ऑफ द ब्रेस्ट को सप्लाई करता है। देन हम देखेंगे थर्ड पार्ट का थ्री ब्रांचेस निकलता है, उसमें से सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सबस्कैपुलर आर्टरी सप्लाई करता है लैटिसमस डॉर्सी एंड सेरेटियस एंटीरियर को, एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी सप्लाई करता है हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट को, पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है शोल्डर जॉइंट, डेल्टॉइड मसल एंड क्वाड्रेंगुलर स्पेस को। हम इसको ऐसे पिक्चर में देखेंगे, ये हो गया एक्जिलरी आर्टरी जो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट इसके नीचे से आया है और ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से एक ही ब्रांच निकल रहा है, ये ब्रांच निकल रहा है, सेकेंड पार्ट से हमारा टू ब्रांचेस निकल रहा है। ये रहा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट से गोट वन ही ब्रांच निकलता है जो होता है सुपीरियर थोरासिक आर्टरी, ये रहा सुपीरियर थोरासिक आर्टरी। देन ये रहा इसके नीचे सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट से टू ही ब्रांच निकलता है, पहले है जो आक्रोमियो थोरासिक आर्टरी और थोराको आक्रोमियल आर्टरी जो ये है, और सेकेंड में है लैटरल थोरासिक आर्टरी जो ये, एक ये और एक ये। ए थोराको आक्रोमियल और आक्रोमियो थोरासिक आर्टरी का तीन ब्रांचेस था, आक्रोमियल ब्रांचेस, डेल्टोरल ब्रांचेस और पेक्टोरल ब्रांचेस, ये थ्री ब्रांचेस निकलता है इसमें से। देन थर्ड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट से थ्री ब्रांच निकलता है, एक एक है एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सेकेंड पार्ट ये है पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ये है सबस्कैपुलर आर्टरी। देन हम देखे थे कि पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से भी सप्लाई करता है शोल्डर जॉइंट, डेल्टॉइड, ये रहा शोल्डर जॉइंट और डेल्टॉइड मसल्स को सप्लाई करेगा। देन एंटीरियर सरकमफ्लेक्स आर्टरी भी हेड ऑफ ह्यूमरस को, ये सबस्कैपुलरिस आर्टरी ये सप्लाई करता था लैटिसमस डॉर्सी एंड
सेरेटियस एंटीरियर को, उसका भी टू ब्रांचेस, दो ही ब्रांचेस है, सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी एंड थोराको डोर्सल आर्टरी। तो यहीं पे ख़त्म होता है आपका एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रांचेस। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।